चिराग के जिन, ये कौन है? हाँ, अगर किसी और पूछा होता तो कहता कि बिल्ली का शोर है, लेकिन अभी अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये इसकी पूंछ, खून भरी आंखें, इसका हुलिया कहीं है, कहीं ये खुद शैतान तो नहीं? शैतान, शैतान! चिराग के जिन से पूछो ये कौन है, पूछो इससे। मैं पूछूं? मैं आपका जिन हूं, तोता नहीं। आपका सवाल आप पूछिए, मैं नहीं पूछूंगा। ये कौन है? ये कौन? आप खुशी बंद करो। जानते हो, आज से लाखों बरस पहले जब बनाने वाले ने जहन्नुम की आग को गुनाह की मिट्टी में मिलाया तो क्या हुआ? आपसे सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। तुम जवाब दो, तुम जवाब दो, तुम जवाब दो। आग बुझ जाएगी। नहीं, हैवाने इब्लिश वजूद में आया। और आप वरदान में आए, कितनी खुशी की बात है ना आका। इब्लिश, इब्लिश 22, 23, 24 नहीं, वो आप 21-21 कह रहे, तो मैं 22, 23, 24 आगे बोल रहा था। 21 नहीं, इब्लिश सबसे बड़ा शैतान। और जितने बरसों बाद इतना लजीज खाना देखकर भूख लग गई। आना, खाना कहाँ है? तुम हो ना? मैं? और तुम? आखिरी बार कब नहाए थे? रोजाना गुलाब के अर्क में नहाते हैं जनाब। तो चलो आओ, आज आग में नहाओ। संभल कर रहो, जन्म में जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। लेकिन तुम, मेरा मतलब है आप हैं कौन? मैं तुम्हारे कान नहीं खाऊंगा। बताओ क्यों? क्यों
क्योंकि कच्चे हैं। मैंने हाथ ही बताया था मैं हैवान इब्लिश हूं, जहन्नुम की छोटी सी खिड़की का बादशाह। लेकर आए थे खुला दरवाजा, कितने बरसों से यहां कैद था, आज खुली हवा के साथ साथ खुला दरवाजा भी मिल गया। हमारे इब्लीश धुआं कहां से आ रहा है? कभी अजीबो गरीब आवाज आ रही है तो कभी धुआं। इतना मत खासो। इस जगह में कई सारे राज हैं जिनका हमें पर्दाफाश। क्या हुआ? आका आका क्या हुआ? जिसम का रुआ रुआ बस यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। आका 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 चिराग के जिन आका आका। हाँ हाँ हम यहीं हैं, तुम कहाँ हो? चिराग के जिन सफार किसी तरह यहां पहुंच तो गए।
या तो वजीर आला को ढूंढना या तो उनके खिलाफ कोई सबूत। आप हमें अपना अब्बू कहने का हक हो चुकी है। आप हमारी कोई नहीं है। अब्बा थे। अब्बा नहीं, थप्पा है तू, थप्पा खानदान के नाम पे थप्पा। आज तक एक भी काम तुम ठीक से नहीं कर पाए, एक भी काम। अब्बा तुम पैदा हुए तो हमने सोचा बेहतरीन, हमारा बेटा हमारा नाम रोशन करेगा, लेकिन तुमने हमारे नाम को अंधेरे में खो दिया। अब्बा हमारा यकीन मानिए अब्बा, हमने हमेशा बचपन से यही कोशिश की कि हम आपको खुश रखें, आज भी वही कर रहे हैं। आपकी कसम, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमारी कसम मत खाओ। अब्बा हमें माफ कर दीजिए, यकीन मानिए हम आपका नाम जरूर रोशन करेंगे। कैसे? इस थुलथुले जिन की मदद से अपने बाल तक नहीं बचा सका ये, तुम्हारी डूबती जिंदगी के हाक बचाएगा। कंजे तो आप भी थे अब्बा। अपने वालिद को गंजा कहते हो? अम्मी कुछ नहीं किया है, वो बेकसूर है, जाने दीजिए, खुदा के लिए उन्हें जाने दीजिए। चाचा, क्योंकि आपने हमें सारी जिंदगी अंधेरे में रखा। नहीं अब्बू। हाँ, आप बगदाद के सबसे बड़े दुश्मन काले चोर की साथी काली चोरनी हैं। आप इतनी बड़ी बात हमसे कैसे छुपा सकती हैं? नहीं अब्बू, हम आपको बताने ही वाले थे। आप हमारा गुरूर थी और अब हमें आपको अपनी बेटी कहने में भी शर्म आ रही है। अभी माफ कर दीजिए, मैं बस एक मौका और दे दीजिए। आपको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है शहजादी, ना माफी और ना मौका। अब समझा कि हर एक इंसान के दिल में डर होता है और ये धुआं उसी डर को उसके सामने वहम बना के ले आता है। आका है तो कमीने, लेकिन है तो इंसान। आका डरते होंगे अपने अब्बा को मायूस करने के ख्याल से, और ये धुआं आका के डर को सच कर रहा है और आका को अपने अब्बा दिख रहे हैं। अच्छा है मैं इंसान नहीं हूं।
वरना मुझे चारों तरफ हरी सब्जियां दिखती। अब्बा यकीन मानिए अब्बा। आका इतनी आवाज मत करिए वरना वो हैवान एक किस यहाँ आ जाएगा और हमें खा जाएगा। अब्बा हैं? अब्बा अब्बा हमारे बेटा जी अब तो जादू का सहारा लेना ही पड़ेगा। अब्बा हम नालायक नहीं है आप हमारे। आका आका क्या हुआ आका? जी अम्मी बेकसूर है खुदा के लिए उन्हें जाने दो। अम्मी चाचा लगता है जिन्होंने वहम पैदा करने वाला जादुई धुआं पूरी सोन मीनार में फैला दिया है ताकि उस तक और जफर तक कोई ना पहुंच सके। उसी धुएं का असर आका पर हो गया है इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि तुम सही कह रहे हो झुमरू। आका पर इस धुएं ने असर करना शुरू कर दिया है और उनका सबसे बड़ा डर उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। चाचा हमें ये वहम का जादू जल्दी खत्म करना होगा वरना आका और शहजादी पर इसका खतरनाक असर हो सकता है। आका होश में आइए आका होश में आइए। आका अबू अब एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए अबू। अब हमारी बात सुनेंगे तो हम समझेंगे कि हमने जो किया क्यों किया। अबू वजीरे आला कहाँ हो आपका मुस्तफा आ गया कसम सोने की अशर्फियों की अपनी बकवास बंद करो वरना एक भूख में ना ये तुम्हारे जिंदगी का टिमटिमाता चिराग जो है ना बुझा दूंगी समझे। कसम सोने की अशर्फियों की अच्छा हुआ कि मैंने वो तलस्मी चश्मे का पीछा करते करते वजीरे आला को यहाँ आते हुए देख लिया। अब बिना किसी दखल अंदाजी के हम उन्हें यकीन दिला देंगे कि हम उनके वफादार हैं तब हम जाकर वजीरे आला के खास बनेंगे। मर जाएगी मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनेगी नहीं पहनेगी नहीं पहनेगी नहीं पहनेगी नहीं। वही 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 कसम सोने की अशर्फियों की इससे पहले कि मैं तुम्हारा कचूमर बना दूं मेरा सर दबाओ। वही 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 सलाइयों जैसी हाथों में मेहंदी लगी है क्या जाओ बर्तन धो। कसम सोने की अशर्फियों की अगर मेरे लिए जलेबी नहीं लाए तो गरम गरम तेल की देग में तुम्हें ही तल के निकाल दूंगी। इन सलाइयों जैसी हाथों में क्या मेहंदी लगा रखी है जाओ बर्तन धो बना दो बर्तन धो मेरा सर दबाओ। परंतु तो करूं क्या एक तरफ वो हैवान है किस और दूसरी तरफ आका की हालत। आका को यहां से लेके भाग जाऊं? नहीं 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 ये नहीं कर सकता। आका की हमेशा से ख्वाहिश रही है कि वो राज कायनात तक पहुंचे और उसमें मैं आका की मदद करूंगा लेकिन लेकिन कैसे। राज कायनात की किताब में लिखा था कि दूसरे दरवाजे की चाबी पहले दरवाजे में मिलेगी कहा। अरे राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे की चाबी मेरे सामने थी
लेकिन बस मैं घबराया हुआ था इसलिए मैं उसे देख नहीं सका। और राज़े कायनात की किताब में मैंने पढ़ा था कि सवाल का जवाब सवाल में ही मिलेगा। अब समझ भी आ गया। इसका मतलब उस चाबी को हासिल करने के लिए मुझे लुका छुपी का खेल खत्म करना होगा और जिससे छुप रहा हूं उसके सामने आना होगा। होगा तो कहीं कभी किस किस। आज तुझे अपनी ताकत की चक्की में दूंगा पीस। दुनिया मरूद सी जिन बारूद सा। के उस पार मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। आप यहीं रुकिए, मैं उन मुसीबतों को खून चटा के आता हूं। जरा खींच, तुम कहीं मत जाओ। अब्बा को मुर्गा बनाने का बड़ा शौक है, वो मुर्गा बना देंगे। और मुझे खाने का बस अपने आप से यही कहिएगा कि मिर्ची ज्यादा डालें क्योंकि मुझे मिर्ची बहुत पसंद है। हमारी बात समझने की कोशिश करो, अप्पा हमें मुर्गा बना देंगे। उन्हें मुर्गा बनाना बहुत पसंद है। हमें मुर्गा नहीं बनना है। इस वक्त तुम हमें छोड़कर मत जाओ, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। आका कैसी बातें कर रहे हैं आप, तो बगदाद के वजीर आला हैं और इस पूरी कायनात के होने वाले सुल्तान। कोई आपको मुर्गा नहीं बनाएगा, आपको कोई बाल भी बागा नहीं कर सकता। मैं बस यूं गया और यूं आया। सुन सुन, हमें अकेला छोड़कर मत जाओ। आका को मोहब्बत दिखाने का यही वक्त मिला था। वक्त निकलता जा रहा है आका, इसलिए मुझे जाना ही होगा। माफ कीजिएगा आका, मैं आपकी बातों को नजरअंदाज करके जा रहा हूं, लेकिन आप ही की भलाई के लिए। लेकिन मेरे पीछे आप महफूज रहें, उसका भी बंदोबस्त करके जाता हूं। आका को कुछ नहीं होने देगा उनका प्यारा गुलगुला। ढक ले मेरा जादू बुलबुला। मैं बस यूं गया, यूं आया। ये तो यहां भी आ गया और चला भी गया। अलविदा पुराने जहन्नुम, सलाम हमारे नए जहन्नुम। जल्दी ही यहां का बच्चा बच्चा ये कहेगा कि मुल्क का चैन और सुकून खाने आ गया। वो देखो, हैवानी इंग्लिश आ गया। आका, आका होश में आइए। आका अभी अभी आका होश में आइए। आका होश में आइए। आका आका होश में आइए। आका को रोकने से क्या होगा झुमरू? तुम्हारे पास एक ताकत है, वो है बहम पैदा करने की। उसे कभी तो काम में लाओ, आलसी नौकर। ओ चचा, तुम्हारे पास भी तो 1,500 साल का तजुर्बा है। वो क्या अचार डालने के लिए रखा है? सिर्फ बातें करने आती है बुड्ढा कहीं का। अपनी औकात में रहो आलसी नौकर। ओ चचा, पहले मेरे कद के बराबर तो हो जाओ, उसके बाद औकात भी मिला लेंगे। अबू जान, अबू एक दफा हमारी तरफ देखिए तो सही। अबू, अब्बा हम बच्चे नहीं है कि आप हमें सजा दें। हम बगदाद के वजीर आला हैं अब्बा। वहम पैदा करने वाला ये धुआं फैलता ही जा रहा है।
और आका की हालत भी रायते की तरह फैलती जा रही है। अब्बा हमें माफ कर दीजिए अब्बा। क्या करूं? बहुत हो गया, अब अगर कुछ फैलेगा तो वो होगा मेरा जादू। शैतान बंदर ने हर पेड़ हर दीवार है बांधी, सोन मीनार में चल जाए मेरे जादू की आंधी। मेरा जादू सोन मीनार को इस जादुई धुएं से आजाद कर देगा, फिर इस जादुई धुएं का जादू खत्म हो जाएगा। तब तक मैं आका को आजाद कर देता हूं। वो क्या है? अंगूठी छाप मेरा हाथ पकड़ के क्यों रखे हो? और चाचा और नकचड़ी कहाँ है? चाचा तुम तो बड़े समझदार हो ना, तो बहन के पीछे क्यों जा रहे हो चाचा? आका मजाक तो अपनी जगह है, पर संजीदा वक्त में भी ये चाचा मनमानी करता है। चाचा चाचा ये दोनों किस बात पर झगड़ रहे हैं? और नकचड़ी कहाँ है? अबू अबू जान, हम यहां कहां से आ गए? और तुम खड़े खड़े मुंह देखते रहे। आका आका पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए, फिर एक साथ डांट लीजिएगा, क्योंकि बहुत खास बात आपको अभी तक पता नहीं है। बोलो बोलो। आका राजे कायनात तक पहुंचने के लिए जो दूसरे दरवाजे की चाबी है ना, वो हैवाने 21 के पास है। और हैवाने 21 चला गया, यानी कि वो चाबी भी चली गई। हमारा दिल तो कर रहा है कि हम तुम्हें भी रवाना करते हैं। गया कहां गया? पता नहीं। बगदाद के लोगों, आराम की नींद ले लो, क्योंकि आज के बाद ना ही तुम्हें नींद मिलेगी और ना ही आराम मिलेगी। तो बस बर्बादी, तबाही और मौत। Iblis. इस उम्र में इतनी भागदौड़ करने की क्या जरूरत है चाचा? थोड़ी सांस लो आराम से। अरे 10 बरस की उम्र भी क्या उम्र है जुमरू। अभी तो तुम लोग कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे, अचानक क्या हुआ? हम लड़ रहे थे? कब? ये सब छोड़ो, अभी हमें नकचड़ी को ढूंढना है। चलो। हम लड़ रहे थे? अंगूठी छाप, चाचा चलो। अरे 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 आका, Thank you.
इसका मतलब वाकई में ये सोन मीनार वजीर आला हमारे अब्बू की याद में या फिर हमें तोहफा देने के लिए नहीं बना रहे थे। इसका मतलब वजीर आला हमसे झूठ बोल रहे थे। उन्हें पहचानने में हमसे सबसे बड़ी गलती हुई। हमारा शक सही था। हमारा दिमाग खराब हो गया है। ये आवाज तो वजीर आला की है। टूटा हुआ गुलदान, कांच और दिल जुड़ सकता है लेकिन टूटी हुई किस्मत नहीं जुड़ सकती। पर आकर हाँ सही कह रहे हैं। और तुम जब से हमारी जिंदगी में आए हो हमारी किस्मत को रोजाना थोड़ा 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 करके तोड़े जा रहे हो। ये आप क्या कह रहे हैं? सच कह रहे हैं। वो हैवान इबलीस नहीं भी आता ना तो उस दूसरे दरवाजे की चाबी तुमसे खोनी ही थी। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। यही तो अफसोस है, यही तो अफसोस है कि तुमने कुछ नहीं किया। हमने कुछ नहीं किया। तुम जानते हो ना इतनी मुश्किलात के बाद आज वो राज़े कायनात का दरवाजा खुला था तो तुमने उस इबलीस को नहीं आका हैवान 21 अरे जो भी हो 21 22 खुजलीस जो भी हो तुम हमारे जिन हो। तुमने उसे उस चाबी के साथ जाने कैसे दिया? तुम जानते हो ना वो बेहद खतरनाक है। वो जहां जाएगा बर्बादी फैलाएगा। इस बात की खबर शहजादी तक पहुंचेगी। शहजादी को इस बात का भी इल्म हो जाएगा कि हम इसमें मौजूद हैं। रासुल के सामने आ गया तो क्या होगा? सोचा उसके बारे में। लेकिन आका मैं क्या करता? मैं मजबूर था। उस हैवान 21 ने सोन मीनार में वो वहम पैदा करने वाला धुआं फैला दिया था। उसकी चपेट में आप भी आ गए थे। पर आका आप मुझ पे क्या उंगली उठा रहे? मैंने तो हमेशा आपका साथ दिया। और हाँ ये मत भूलिएगा कि आप जो यहाँ आए ना वो मेरी वजह से आए। वहम का जादू हम पर नहीं बल्कि तुम पर चल गया है। जाहिल जिन तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी वजह से हम यहां तक पहुंचे? एक बार ये कान खोल कर और इस बात को खोल कर समझ लो। शेर अपना शिकार अकेले करता है। शेर अपना शिकार अकेले करता है। और हम शेर हैं। हमने जो कुछ भी किया वो अकेले किया। अलादीन को फंसाया हमने, उसे जिंदा दीवार में चुनवाया हमने, शहजादी को बहकाया बेवकूफ बनाया हमने, और बादशाह सलामत का यकीन जीता भी हमने। और बादशाह सलामत को हमने मारा। क्यों? क्योंकि एक दिन हमें बख्तात का इस पूरी इस कायनात का और राज़े कायनात का बनना था। बादशाह
किसी काम के नहीं हूं। जिन्नात के नाम पर बस एक गोल मटोल थपाओ। अकल छोटी तोंद पड़ी बस। अरे खड़े मुंह क्या देख रहे हो, सोचो कुछ। सोचो सोचता हूं। हाँ, आका सोच लिया। हम लोगों को सोन मीनार आए काफी वक्त हो गया है और अब तक तो सुबह भी हो गई होगी। से पहले किसी को ये पता चले कि आप महल में मौजूद नहीं हैं, हमें वापस चले जाना चाहिए। ठीक कह रहे हो तुम। मैं तो हमेशा सही बात कहता हूँ। नहीं नहीं कुछ नहीं, काफी देर हो रही है, अब हमें चलना चाहिए। अलादीन को फंसाया हमने, उसे जिंदा दीवार में चुनवाया हमने, ऐसा दीन को महकाया बेवकूफ बनाया हमने, और बादशाह सलामत का यकीन जीता भी हमने, और बादशाह सलामत को हमने मारा। तुम दोनों मुझे ये बताओ, तुम दोनों लड़ क्यों रहे थे? हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि आका शायद जीनू और जफर ने राज़े कायनात का पहला दरवाजा खोल दिया है, उसी की वजह से सोन मीनार में मौजूद सब लोगों पर किसी जादू का असर हो गया है। ये तो बहुत बुरी खबर है चाचा। एक तरफ राज़े कायनात का दरवाजा खुलने वाला है और दूसरी तरफ नकचड़ी जो गायब है। हमें नकचड़ी को ढूंढना होगा। जफर जब भी यहाँ आता है वो सोन मीनार की इस तरफ आता है और वो सबसे पहले वहीं गया होगा, और मुझे लगता है कि रक्षड़ी भी उसका पीछा करते करते वहीं गई होगी। चलो यहाँ तो कोई भी नहीं है, और नक्षड़ी कहाँ गई? कहीं नक्षड़ी को जफर का सच तो नहीं पता चल गया? वाह, वो वहां से रोशनी आ रही है। ये कौन सी रोशनी है? झुमरू, रोशनी तो हमारे जमाने में होती थी, पर ये रोशनी राज़े कायनात के पहले दरवाजे से आ रही है। तुम्हें सही लगता है चाचा कि ये राज़े कायनात का पहला ही दरवाजा है? राज़े कायनात का पहला दरवाजा खुल चुका है, यानी दुनिया को खत्म करने की राह पर जफर ने अपना पहला बड़ा कदम उठा लिया है। यहाँ
लेकिन जफर और जिनू कहाँ है? उससे भी बड़ा सवाल, शहजादी कहाँ है? ये तो रक्चड़ी का खंजर है। इसका मतलब वो यहाँ पे आई थी। शायद से सच पता चल चुका है। हमें भी यही लगता है आका। लेकिन आका, जब तक हम उनके मुंह से पूरी बात नहीं सुन लेते, तब तक हम पक्के तौर पर यकीन नहीं कर सकते। अगर उसे सच मालूम हो गया, तो उसके दिमाग में ढेर सारे सवाल, गुस्सा, गम, अफसोस सब एक साथ घूम रहे होंगे, और ऐसे में कोई वो गलत कदम ना उठा ले और खतरा मोल ले। हमें अभी नक्षत्र के पास चलना होगा। लेकिन आका, राज़े कायनात का दरवाजा? सब बाद में, फिलहाल नक्षत्र। हाँ, राधे यास्मीन, बादशाह सलामत ने अलादीन के साथ मुलाकात की और अलादीन बदतमीजी कर बैठा उनके साथ। वो अपना आपा खो बैठा और उसने हमला कर दिया बादशाह सलामत पर। ये हिम्मत कि तूने हमारे बादशाह सलामत की जान ले ली? गिरफ्तार कर लो इसे। ताले चोर ने इस जिन के साथ मिलकर हमारे तादाद में दहशत फैलाई। इस गुनहगार की सजा खुद शहजादी यास्मीन तय करेंगी। हम बगदाद की शहजादी यास्मीन अलादीन उर्फ काले चोर को सजा मौत देते कोई है न चड़ी जिसने बादशाह सलामत का कत्ल करके मुझे दीवार में चुनवा के तुम्हें अकेला और कमजोर बनाया जिससे उसका फायदा हो। मैं जानता हूं कि हमारा गुनहगार कौन है। अपने दिल से पूछिए कि अलादीन बादशाह सलामत का कत्ल कर सकता था? मैं बेकसूर हूं नक्चड़ी। ना मैं झूठा था, ना मेरी दोस्ती और ना ही मेरी मोहब्बत। मेरा कोई नहीं, तुझे मौत से भी बदतर सजा मिलनी चाहिए थी। कुछ गुनाह इतने बड़े होते हैं कि उनकी भरपाई के लिए पूरी जिंदगी भी छोटी पड़ जाती है। हमसे भी ऐसा ही गुनाह हुआ है। ऊपर वाले ने हमें सच्ची दोस्ती का, मोहब्बत का तोहफा दिया, जिसे हमने अपने गुस्से की आग में बर्बाद कर दिया। हमने उस शख्स पर यकीन किया जो बगदाद का सबसे बड़ा दुश्मन है, हमारे अब्बू का कातिल है, और अपनी दोस्ती पर शक। हमने अपने उस शक की आग में अपने अब्बू काले चोर और अपनी हर खुशी को अपने हाथों से आग में जलाकर राख कर दिया। किस्मत ने हमें अपनी गलती सुधारने का एक और मौका दिया था,
जब अलादीन रूम बनकर वापस आया लेकिन हमने तब भी उस पर यकीन नहीं किया। हमने या खुदा हमने हमने माँ से उसके एक नेक और बहादुर बेटे को छीन लिया। हमने अलादीन की जान ले ली। अलादीन! अगर उसे वाकई सफर की सच्चाई पता चल गई है तो उससे जफर को कोई नहीं बचा सकता। मुझे नकचढ़ी की फिक्र हो रही है अंगूठी साहब। उसे जफर का सच पता चल चुका है। अब जफर नहीं बचेगा। वो जफर तक पहुंचे इससे पहले मुझे नकचढ़ी तक पहुंचना होगा। जफर के पास जिनू है, नकचढ़ी खतरे में हो सकती है। इतनी जल्दी जफर को सब कुछ नहीं पता चलना चाहिए। आका, मैं जानता हूँ कि आपको शहजादी की फिक्र है, लेकिन आपको अपने जज्बातों पर काबू रखना होगा। आपको हम सबको होशियार रहना होगा। भले ही नकचढ़ी को सच का पता चल चुका है, लेकिन हमारी वजह से किसी और को सच का पता नहीं चलना चाहिए, और जफर को तो बिल्कुल भी नहीं। हमारा मकसद उंगली साहब, अंगूठी छाप, यहाँ बात नकचढ़ी की है, और जब बात नकचढ़ी की होती है तो मकसद तो क्या मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। तुम दोनों जाओ और सोन मीनार का कोना कोना छान मारो, हो सकता है कोई सुराग मिल जाए। ठीक है, जाओ। मैं महल जाता हूँ, मैं वहां नकचढ़ी को देखता हूँ, मुलाकात वहीं होगी। चाचा, शहजादी को खोजने के चक्कर में आका भूल रहे हैं कि राज़े कायनात का पहला दरवाजा खुल चुका है। यानी तबाही की शुरुआत हो चुकी है। मैं सब कुछ तबाह कर दिया, सब कुछ, सब कुछ। कसम खुदा की हमें है ना रह रह कर तुम पर गुस्सा आ रहा है। दुनिया के सबसे ताकतवर जाहिल वो हैवान इब्लीस राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे की चाबी को लेकर चला गया। अब कहाँ मिलेगा बताओ? मिलेगा आका, मिलेगा। कैसे? मैं जानता हूं कैसे। आका है सूखा काटा, मैं हूं तंदुरुस्त गुलाब, मेरे हाथों में आ जाए राज़े कायनात की किताब। मैं लगता है इस किताब में हमें अपना हल मिलेगा। मिल भी सकता है और नहीं भी। चला किचन। आका, वो दरअसल राज़े कायनात की किताब से हमें उस हैवाने 21 के बारे में पता चल जाएगा, और जब हमें उसके बारे में पता चल जाएगा तो हमें उसे ढूंढने में आसानी होगी। बता उसके बारे में, बन मददगार ना बन शैतान। कौन है, कहां से आया है ये 21-21 रखता है हैवान?
क्या हुआ, समझ आया वो कहाँ है? क्या हो गया चिराग के जिन, तुम इस कदर सफेद क्यों पड़ गए? किताब में क्या लिखा है चिराग के जिन? कुछ बकोगे? जी आका। हैवाने इसके पास जो चाबी है वो राजे कायनात के दूसरे दरवाजे की है, जिसे पार करके ही तीसरे दरवाजे तक पहुंचा जा सकता है, और जो शख्स तीसरे दरवाजे तक पहुंच गया उसका सामना दुनिया की सबसे खतरनाक और ताकतवर जादूगरनी से होगा। जादूगरनी मलिका। मलिका जादूगरनी मलिका। मलिका यहाँ नहीं आ सकते अली साहब, छत पर मरम्मत चल रही है। तुमने शहजादी को देखा? नहीं। तुम कहाँ हो न चढ़ी, इतनी देर हो गई और तुम्हारा कोई अता पता नहीं है। मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रास्ते में मिले राही चाहे चोर या सिपाही, मुझे करना है क्या? मेरी मुट्ठी में दबाई फैला दू, फैला दू इब्लीश, इब्लीश। उस्मान, मैंने सुना तेरी बकरी भाग गई। हाँ भाई। मासूम इंसान, मेरा पसंदीदा शिकार, मेरे अंदर की बुराई के आगे इनकी खुशी और सच्चाई टिक नहीं सकती, इनकी भी नहीं टिकेगी। तो मुंह क्यों लटकाए रखा है? बकरी तो भागी है, तेरी बीवी थोड़ी भागी। क्या बोला? आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। रोक, नहीं छोड़ूंगा। मलिका का इकबाल बुलंद हो। जादूगरनी मलिका। आका, ये मलिका की दुनिया जहन्नुम के तीन दरवाजे हैं, इन्हें पार करना आसान नहीं है, क्योंकि मलिका ने हर दरवाजे के पीछे खतरनाक पहरेदार बैठाए। जहन्नुम के पहले दरवाजे का पहरेदार है वो हैवाने 21। जिसके एक हाथ में वो चाबी है और दूसरे हाथ में शहर की पोटली। सारे रास्ते खाली हो गए और मैं खुल के तबाही मचाऊंगा। मुझे गंदी हवा चाहिए, बुराई चाहिए। मुझे इस हवा की आदत नहीं,
अब इंसानों को भी नहीं रहेगी। मैं जहन्नुम का रखवाला हूँ, जहाँ जाता हूँ एक नया जहन्नुम खड़ा कर देता हूँ। ये हमारा नहीं बल्कि कोई रोती हुई गमों में डूबी बेसहारा लड़की का अक्स है। हम इसे नहीं जानते। हम अपने अब्बू की बादशाह शाहनवाज की बेटी हैं। हमारे अब्बू की तालीम इतनी कच्ची नहीं है और हम ये बात साबित करके रहेंगे। हम अपने अब्बू का सर और अपनी मोहब्बत को नीचे नहीं होने देंगे। किताब में आगे लिखा था कि हैवाने 21 के पास वो जो जहर है वो इतना ताकतवर है कि वो पूरे के पूरे मुल्क को तबाह कर सकता है। आज ये कीड़े मकोड़े मर रहे हैं। आज के बाद बगदाद का हर इंसान ऐसे ही कीड़े मकोड़े की मौत मरेगा। मेरा जहर किसी को नहीं बख्शेगा। हिबलीश हैवाने हिबलीश को ढूंढो चिराग के जिन। हमें वो चाबी किसी भी कीमत पर चाहिए। उसके लिए अगर हमें हमारे पूरे मुल्क की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुसीबत की बात यह है कि उसे ढूंढने के लिए मेरा जादू काम नहीं करेगा।
वरना मैं पक्का उसे ढूंढ चुका होता और अब तक तो वो आपके सामने अपना सर झुकाए खड़ा होता। तो अब हम उसे कैसे ढूंढेंगे? आका, इस राज़े कायनात की किताब की मदद से। लेकिन लेकिन दिक्कत ये है कि ये अपनी मर्जी से ही मदद करती है। अगर इसकी मर्जी होगी तो वो मदद करेगी, पर नहीं करेगी। अब इस वक्त इसकी मर्जी नहीं थी तो मदद नहीं कर रही है, पर खुद ब खुद बंद हो गई। वाह, बखूब बखूब, दोनों मारे जिन और ये अपनी किताब अपनी मर्जी से चलते हैं। वो तो है। क्या मेरा मतलब है आका, एक बात तो तय हो गई, राजे कायनात का दूसरा दरवाजा उस चाबी से ही खुलेगा जो उसके पास है। और हाँ, उसमें ये भी लिखा था कि हैवान किस अंधेरा होते ही अंधा हो जाता है। यानी अंधा, तो इसका मतलब है दिन में वो जो चाहे वो करता रहे, लेकिन रात में जाकर किसी एक जगह पर टिकेगा। बस हमें रात का इंतजार करना पड़ेगा, उसे ढूंढने का इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा। जी आका। शहजादी, मैंने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा, आपको महल में ढूंढा, बाजार में ढूंढा, गलियों में ढूंढा, और आप यहां क्यों है? आपने पूरे कमरे की क्या हालत बना दी है? शहजादी, आप बिना इजाजत के बादशाह सलामत के कमरे में नहीं जा सकते। ये कैसी आवाज? शहजादी, आप यहीं पे रुकिएगा, मैं जाकर देख कर आती हूँ, ठीक है? अब शहजादी, आप क्या ढूंढ रही है? आप इतना तो बता दीजिए। ये शहजादी का हुक्म है, कहा ना आप अंदर नहीं जा सकते। शहजादी, शोर बढ़ रहा है, मैं जाकर देख कर आती हूँ, और खुदा के लिए आप कमरे से बाहर मत निकलिएगा, ठीक है? हो सकता है बाहर खतरा हो। आप बिना इजाजत के बादशाह सलामत के कमरे में नहीं जा सकते। मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे जाने दो। ये शहजादी का हुक्म है, मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे जाने दो। कहा ना आप अंदर नहीं जा सकते। मैं तुम दोनों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, और तुम दोनों मुझे रोक भी नहीं सकते। ये मुझे जाने दो। अबू की शमशीर, उनके कातिल को सजा भी इसी शमशीर से मिलनी चाहिए जिसने हमें बगदाद को यतीम कर दिया, हम सबको धोखा दिया, अपने मुल्क के साथ गद्दारी की, और हमारे
हमारे मासूम से अलादीन को अपनी जाल में फंसाया। वो एक शैतान है और उस शैतान को हम यहाँ नहीं रहने देंगे। हमें उसे वही भेजना होगा जहाँ उसे होना चाहिए। हम वो चीज करेंगे जो हमें बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। हम जहर को सजाए मौत देंगे। मैं जानता हूं कि आप किस दौर से गुजर रही। सोन मीनार में जो कुछ भी हुआ उस रात, उसके बाद मैं खुद से सब कुछ बता देना चाहता था, लेकिन किस्मत ने कभी मौका नहीं दिया। और अब जब आप और अब जब तुमने जफर के मुंह से पूरा सच सुन लिया है, तो ये सच भी सुन लो कि मैं सौदागर अली नहीं, तुम्हारा नक्चड़ी। नक्चड़ी हम दरवाजे से नहीं आ सकते थे, वरना हम पिट्टी और बाहर हो रहे झगड़े में उलझ जाते। लेकिन हमारे पास इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं है, सिवाय जफर के। अपनी आखिरी सांसें गिनना शुरू कर दे जफर। तूने हमें अकेलापन, दर्द और आंसू दिए, और हम उसके बदले तुझे मौत का तोहफा देंगे। नक्चड़ी, नक्चड़ी कहाँ गई? तलवार नक्चड़ी के पास है। वही वह जिस चीज का मुझे डर था, सच जानने के बाद नक्चड़ी अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाई। मैं जानता हूं वो कहां गई होगी, मुझे उसे रोकना होगा। मैंने आपको पहले नहीं रोका, लेकिन अब मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। ये सब क्या हो रहा है? शहजादी अपने अब्बू की यादों के साथ अकेले कुछ वक्त बिताना चाहती है, इसलिए ना तुम अंदर जाना और ना ही किसी को अंदर जाने देना, ठीक है? वो जफर को ढूंढती हुई उसके कमरे की तरफ गई होगी। खुदा के लिए अभी कुछ मत करना नक्चड़ी, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। बादशाह सलामत के कत्ल के झूठे इल्जाम में मैंने अलादीन को मरवाया। लोगों की नजरों से बच बचा कर तुम मीनार खड़ा कर दिया। फिर वो अलादीन की रूह लौट आई हमें डराने के लिए,
भाग। कहकर भगा दिया उसे भी। राज़े कायनात का पहला दरवाजा भी खोल लिया हमने। अब ये सब हमने इसलिए तो नहीं किया कि वो मस्खरा आकर हमारी पूरी मेहनत पर पानी फेर दे, हैं? अब हम उस इबलीस को कहाँ ढूंढ जाए? कहाँ ढूंढे? आका, मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम उस हैवाने 21 के इश्तिहार छपवा दें? मेरा मतलब है कि हम एक इश्तिहार छपवाएंगे और पूरे बगदाद में बांट दें। अब हम उसमें इनाम रखेंगे कि जो भी हमें उस हैवाने 21 के बारे में बताएगा, हम उसे 3 आलू, 2 गोभी और 1 करेला देंगे। मुझे पता है बगदाद में इतने भुक्कड़ हैं कि कोई ना कोई तो हमें उसके बारे में पता देगा और हमें हैवाने किसके बारे में पता चल जाएगा। मैं बात बताओ, ऊपर वाला अतुल बांट रहा था तो उस वक्त किस काम में मसरूफ थे? मैं मिर्ची का हलवा खा रहा था। आका, लगता है आप इस खाकसार की तारीफ में चंद अल्फाज बयां कर रहे हैं। अल्फाज थोड़ा ऊंचा बोलिए, मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है मेरी तारीफ। अरे बेवकूफ, इश्तिहार लगा दिए तो पूरी आवाम को पता चल जाएगा कि वो यहाँ मौजूद है, वही तो हम नहीं चाहते। बस शाम हो चुकी है लेकिन तुम्हारी बक 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 बंद नहीं होती। कसम खुदा की कह रहे हैं तुमसे, कसम खुदा की कह रहे हैं, एक लफ्ज निकाला ना तो तुम्हें दोबारा तुम्हारे उस चिराग में डाल देंगे, फूंक देंगे उसके अंदर। वाकिफ नहीं हो तुम हमारे जुनून से, वह नहला देंगे तुम्हारे यकीन से। वो अंजाम करेंगे कि रहती दुनिया तक हमारी चीखें, हमारा जुल्म और एक इंसान याद रखेगा। शहजादी कहीं नजर नहीं आ रही। शहजादी, शहजादी बहुत गुस्से में दिख रही है चचा। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तुम शहजादी को संभालो, मैं जफर के पीछे जाता हूं। ठीक है? ठीक है, जाओ। हमें लगता है ये राज़ कायनात की किताब शायद हमसे कुछ कहना चाह रही है। लेकिन ये कुतुबनुमा उस तरफ क्यों इशारा कर रहा है?
हाँ वही मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि जब बगदाद का सबसे शानदार शख्स यहाँ खड़ा है तो ये उस तरफ इशारा क्यों कर रहा है। आका मुझे ये लगता है कि ये उस तरफ इशारा कर रहा है जिस तरफ हैवाने 21 है। शायद तुम सही कह रहे हो चिराग किचन। शुक्रिया शुक्रिया। ये किताब ही हमें हैवान 21 या इबलीस 24, 25, 26 जो भी है उस तक पहुंचाएगी। चलो किताब को ही लेके चलते हैं। आगा कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये राज कायनात की किताब है और इतनी बड़ी किताब को अगर आप बाहर लेके जाएंगे तो बहुत खतरा है। उस हैवान इबलीस का खुलेआम घूमना उससे ज्यादा खतरनाक होगा ये। अरे पर आकर सोचिए आप क्या कह रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है हम कुछ ना कुछ सोचते हैं। हाँ, मैं भी सोचता हूँ। तो चलो ये तय हुआ कि हम इस किताब को साथ में नहीं ले जा सकते। इस पन्ने को तो साथ ले जा सकते हैं। अरे आका ये आपने क्या किया? ये कोई मामूली किताब नहीं, ये राज कायनात की किताब है। हम भी कोई मामूली इंसान नहीं है, पूरी कायनात के बनने वाले हैं बादशाह। अच्छा चले अगर आपका सजना सवरना हो गया हो तो चलिए। इस तरह चीजें छुपाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्या मतलब है आपका? यही कि अगर दिल में कोई परेशानी हो तो उसे छुपाना नहीं चाहिए, कह देना चाहिए। बेहतरीन बेहतरीन। आपकी सलाह का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आइंदा से इस बात पर गौर फरमाएंगे। आखिर इस कमीने के हाथ में क्या है? हम इससे ज्यादा देर तक शहजादी को यहां पर नहीं रोक सकते थे, पर आका कहां है? ये दोनों इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हैं? बाद में पता करूंगा, पहले मुझे निकचड़ी के पास पहुंचना है। कम से कम ये पगड़ी खो गई तो बुरा तो नहीं लगेगा, दुख तो नहीं होगा। क्यों बेगम? क्यों बेगम? क्यों बेगम? क्यों बेगम? जरा चुप भी रहा करो वरना औजार लेते
तुम्हारी नाक कतर दूंगी। तुम्हारी हरकतों की वजह से नाक तो मेरी रोज कटती है। क्या? मैं कह रहा था वजीर आला लगता है हमें अपना खास नहीं बनाना चाहते, तभी तो हमारे हाथ नहीं आ रहे। कसम सोने की अशरफियों की, तुम्हारी इन सलाइयों जैसे हाथों में दो मिसवाक की डंडियां नहीं आती, वजीर आला हाथ नहीं आते। वैसे कह तो सही रहे हो, वजीर आला हमें अपना खास बनाने को तैयार ही नहीं है। वो इसलिए कि वजीर आला के इर्द गिर्द दो शख्स भटकते हैं, एक जुनैद मियां जो हमारे मददगार हैं, और दूसरा अली जो हमारे और वजीर आला के बीच की दीवार है। बेगम, उस दीवार में खौफ की कील ठोकने का वक्त आ गया है। अब देखते जाओ नाजनीन क्या गुल खिलाती है। मेरे लिए गुलाब का है क्या? गुलाब का है। कसम सोने की अशरफियों की, इसमें बोलती बंद करने वाली बूटी का अर्क है। अच्छा, और ये तुम्हें मिला कहाँ से? वाए 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 वाए। इसे मैंने बुलबुल के इजाद घर से गायब किया है, और इसका सबसे पहला शिकार बनी हमारी भोली बहू। इसके असर से उसकी कैंची जैसी जबान को जैसे ताला पड़ गया। अब मैं इसे उस अली के बच्चे के मुंह पे छिड़कूंगी, उससे कुछ देर तक उसकी बोलती बंद हो जाएगी, फिर वो मुझसे डरेगा तो सही, और फिर वो हमारे और वजीर आला के बीच से हट जाएगा। अरे वाह मेरी चालाक लोमड़ी। अब बस हमें महल जाकर अली को ढूंढना है। आका, अच्छा हुआ आप मिल गए। तो सुनिए अभी हुआ क्या? उस पन्ने को पूरी तरह से पढ़ने का मौका तो मुझे नहीं मिला, लेकिन इतना मैंने जरूर देख लिया कि उस पर बना कुतुबनुमा शहर के किसी सुनसान इलाके की ओर इशारा कर रहा था। जफर और जिनू वहीं गए होंगे। ठीक है, मुझे सबसे पहले लक्ष्मी से मिलना है। चाचा अंगूठी छाप वो हम पूरा बगदाद खतरे में। मैं लक्ष्मी के पीछे जाता हूँ, और मेरे पीछे तुम अम्मी की हिफाजत के लिए महल के आसपास रहना। ठीक है जी। बड़ी मुश्किल से बाजी हाथ आई है नकचड़ी, अब कुछ ऐसा मत करना कि खेल पलट जाए।